गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है कोवेरियंस। कोवेरियंस स्टैटिस्टिक का एक अच्छा टॉपिक है। जब इसमें हमें x और y दो वैल्यूज दे रखी होती है, एक x दे रखा होता है और एक क्या दे रखा होता है, y दे रखा होता है। आप पहले x वाली वैल्यूज़ को ऐड करके उनका मीन निकालेंगे, जिसे x बार कहेंगे। y वाली वैल्यू को ऐड करके उसका मीन निकालेंगे, उसको y बार कहेंगे। क्या कहेंगे? y बार। x में से x बार को माइनस करेंगे, y में से y बार को माइनस करेंगे। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या होता है, x माइनस के x बार इंटू y माइनस के y बार। उनको ऐड करते हैं, जब इनके सम को n से डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे कोवेरियंस कहा जाता है। कोवेरियंस निकालने का एक तरीका और होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको x और y दे रखा होता है। x और y के अंदर आपको पहले x वालों को ऐड करना है और फिर y वालों को ऐड करना है, फिर एक्स वाई आ जाएगा। एक्स वाई आने के बाद जब आप एक्स वाई की सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई से मल्टीप्लाई करके उसको एन से डिवाइड कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोवेरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेरियंस। जिनके पास COSM की बुक है उन्हें एग्जांपल 5, 6, 7, 8 करने हैं एक्सरसाइज 6.1 के लिए, और क्वेश्चन भी 5, 6, 7, 8 करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के लिए। दूसरा टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर वो है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। जब आपको कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स बार इंटू वाई माइनस के वाई बार इंटू में अंडर एक्स माइनस के एक्स बार का स्क्वायर और वाई माइनस के वाई बार का स्क्वायर होता है। आपको वही का रखा होगा, आपको x दे रखा होगा और आपको क्या दे रखा होगा, वाई दे रखा होगा। आपने x वाली वैल्यूज का मीन निकालना है, y वाली वैल्यूज का क्या निकालना है, पहले मीन निकालना है, फिर x माइनस के x बार निकालिए, y माइनस के y बार निकालिए। x माइनस x बार का क्या करेंगे, आपस स्क्वेयर करेंगे, y माइनस y बार का आपस स्क्वेयर करेंगे। जब x माइनस के x बार की y माइनस y बार से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को ध्यान से समझिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स बार इंटू वाई माइनस के वाई बार डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो जैसे हमने 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 40 कर दिया तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आ गया, 1 आ गया। आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या रहती है, 1 रहती है। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, वो होता है एन इंटू में सिग्मा एक्स वाई माइनस के सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय अंडरूट में एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस के सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस के सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक्स दे रखा होगा और क्या दे रखा होगा, वाई दे रखा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एक्स वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है और वाई स्क्वायर निकालना है। सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया, सिग्मा एक्स वाई आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया। इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले पुट कर दो, वैल्यू 1 ही आएगी। दोनों मेथड से आंसर जो होता है वो सेम ही आता है। इसके लिए आपको नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स करने हैं। एक हमारा होता है कॉन्करेंट डेविएशन। कॉन्करेंट डेविएशन में आपको x और y दे रखा होता है, आपको साइन ऑफ x निकालना होता है और साइन ऑफ y निकालना होता है, और इन दोनों के साइंस की आपा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। साइन कैसे निकालते हैं, अगर एक वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी है तो साइन पॉजिटिव आता है, एक वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से छोटी है तो साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। बड़ी है तो पॉजिटिव, छोटी है तो नेगेटिव, फिर इन दोनों साइंस की मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी पॉजिटिव आते हैं उनको कैलकुलेट कर लीजिए, जितने ही पॉजिटिव आते हैं उन्हें सी कहा जाता है। फिर आर की वैल्यू होती है 2 इंटू सी माइनस एन डिवाइड बाय एन का क्या होता है, अंडर रूट होता है। दिस इज सचिन फ्रॉम नागपुर एकेडमी। नागपुर एकेडमी में आपको कंप्यूटर साइंस और मैथ्स की बेस्ट कोचिंग दी जाती है। फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।